जय हिंद दोस्तों, आईआरबी के जो वैकेंसी आने वाली 17,000 प्लस पोस्टों पे उसका फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो जाएगा, क्या उसके फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एज की गणना कब से होने वाली है, ऑफिशियल पीडीएफ के जरिए इसकी ए टू जेड आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चे मुझे प्रीवियस ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था आईआरबी के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि आपकी जो रनिंग होती है 1600 मीटर की रनिंग होती है उसमें आपको 6 मिनट का अप्रॉक्स टाइम मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ज्ञान दे रहे थे कि तुझे कुछ भी नहीं पता, वहां पे 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। तो भैया ऑफिशियल पीडीएफ के जरिए आपको बताऊंगा कि रनिंग क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना ये कैसा होता है। तो सबसे पहले आईआरबी के बारे में तो एक्चुअली बच्चों को पता भी नहीं है, आपको भी ठीक से नहीं पता आईआरबी होती क्या है, बस आपने एक नाम सुन लिया इंडियन रिजर्व बटालियन तो आपको लग रहा हो कि सेंट्रल की भर्ती है, इसमें भैया सारे सेंट्रल के पूरा रूल रेगुलेशन लगेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो भर्ती है ये स्टेट की भर्ती है, आईआरबी का जो भर्ती होता है वो स्टेट की भर्ती होती है। अब क्या है ना, सेंट्रल पोस्ट स्टेट को देता है, जैसे कि ओडिशा के लिए 3,000 पोस्टें हैं, 17,000 पोस्टों में 3,000 जो पोस्टें वो ओडिशा के लिए अलर्ट की गई है, मतलब 3,000 पोस्टों पर जो भर्ती होगी वो ओडिशा गवर्नमेंट कराएगी, मतलब ओडिशा गवर्नमेंट कौन कराएगी, जो हमारा ओडिशा का होम डिपार्टमेंट है वही सिलेक्शन कराने वाला है। तो जो ओडिशा का होम डिपार्टमेंट है जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो उस ओडिशा के होम डिपार्टमेंट के अंडर में रहेगा, ना कि वो सेंट्रल के अंदर में रहेगा। सेंट्रल इसकी भर्ती नहीं कराएगी, जैसे आपके एसएसजीडी की भर्ती कौन करा रहा है, सेंट्रल करा रहा है, सीआरपीएफ के अंडर में हो रहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर में। लेकिन जो आईआरबी की भर्ती होगी वो दोस्तों आपके सेंट्रल के अंदर में नहीं होगी, वो किसके अंदर में, वो स्टेट के अंदर में होगी। जैसे कि झारखंड की जो वैकेंसी निकली है वो दोस्तों झारखंड के अंदर कराई जाएगी, वहां के झारखंड की पुलिस उसकी भर्ती लेगी। जो दोस्तों आपका किसका महाराष्ट्र की भर्ती निकली है वो महाराष्ट्र की पुलिस के अंडर में होगी, महाराष्ट्र की पुलिस उसकी भर्ती कराएगी। जो हमारे ओडिशा में निकली हुई है वो ओडिशा के अंडर में होगी, ओडिशा पुलिस की भर्ती कराएगी। बट एक चीज आप सबके लिए अच्छा है कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और क्या आपको पता है, आईआरबी का जो पेमेंट होता है वो 40% कौन देता है, तो 40% इसके स्टेट पेमेंट देती है और दोस्तों आपके 60% सेंट्रल पेमेंट देती है, क्योंकि आईआरबी का जहां भी जरूरत पड़ता है रिजर्व बटालियन है, सेंट्रल इसको उठा के ले जाती है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे कहीं दोस्तों दंगा फसाद हो, कहीं माओवादी का अटैक हो, कहीं दोस्तों थाना पे अटैक कर दिया गया हो, हर जगह आईआरबी की ड्यूटी लगती है। आईआरबी ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों काम करती है और इसमें दोस्तों हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बट ये दोस्तों सब बहुत बड़ा मिथ है कि आईआरबी सेंट्रल की वैकेंसी और सेंट्रल का सारा प्रोसेस चलता है, नहीं, स्टेट का चलता है। और मैंने जो पहले भर्ती होती थी ना उसमें क्या होता था, आपके जो एग्जाम होते थे उसमें भी आपका 50 नंबर का एग्जाम होता था, उसके बाद आपके फिजिकल में भी नंबर सिस्टम रहता था कि रनिंग आपने 5 किलोमीटर इतने टाइम में क्वालिफाई किया, रस्सी इतने टाइम में चढ़ा, तो सारा इक्विपमेंट में आपको नंबर मिलता था और दोनों के नंबर को मिला के आपका सिलेक्शन होता था। बट दोस्तों अभी क्या है, 2022 में इसके रूल रेगुलेशन को चेंज कर दिया गया और दोस्तों अब क्या है, आपके पहले विंटर एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद जाके आपके फिजिकल होंगे और फिजिकल में दोस्तों जो आपका पहले 5 किलोमीटर का रनिंग था उसको चेंज करके 1600 मीटर का रनिंग कर दिया गया। और भैया पूरे में जानकारी देता हूं, चलिए आइए ऑफिशियल पीडीएफ के जरिए मैं आपको जानकारी देता हूं तो आपको और भी मजा आएगा देखने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है किसका, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट का, तो इसी के अंडर में हमारे आईआरबी की भर्ती होगी। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना होता है, तो हमारा वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट, इसका वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। तो इसमें क्या है, रूल रेगुलेशन जो चेंज किए गए थे आईआरबी के भर्ती की उसकी सारी जानकारी इसी नोटिस में दी हुई है। इस नोटिस के जरिए मैं आपको ए टू जेड सारी रिक्वायरमेंट प्रोसेस बताऊँ। इसमें हाइट भी बहुत कम लगता है मेरे भाई, मतलब ऐसा नहीं कि हाइट बहुत ज़्यादा, ये देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, पहले आपके होने वाले विंटर एग्जाम, फिर आपके होंगे फिजिकल, एफिशिएंसी टेस्ट, फिर जाके आपके ड्राइविंग टेस्ट, वो भी ऑप्शनल में है, मतलब आपको आएगा तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं भी आएगा तो कोई जरूरत नहीं है ड्राइविंग का देने का। बस दोस्तों आपका क्या होना है, विंटर एग्जाम फिजिकल होगा और फिर भी आपके थोड़े मोड़े मेडिकल होने वाले, बस हो जाएगा। जो इसका विंटर एग्जाम होने वाला पहले 50 नंबर का होता था, शायद आप लोगों को पता हो चाहे ना हो मैं बता दूं, बट अब जो इसका न्यू रूल रेगुलेशन है उसके अंडर में जो इसका विंटर एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होने वाला है, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, OMR बेस्ड आपके होने वाले हैं एग्जाम। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकते हैं या एनी अदर में। ठीक है, वो दोस्तों आपके भर्ती बोर्ड के ऊपर रहेगा। ठीक है, वो कैसे एग्जाम कराएगी। अब इसमें क्या है, जो माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, लोग बोलते थे कि माइनस मार्किंग नहीं होता है, बट हाँ हमारे अगर ओडिशा से अगर आप फॉर्म भरोगे आईआरबी का तो इसमें माइनस मार्किंग में दिया 0.25 का होगा। ठीक है, ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप ठीक से उसको देख लेना। ठीक है, बहुत बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई। और ये देखिए हाइट बहुत ज़्यादा कम लिया जाता है आईआरबी में, 168 अगर सेंटीमीटर आपका हाइट है तो आप के लिए आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और शेड्यूल कास्ट जो आपके एसटी होते हैं उनके लिए भैया कितना, 163 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, आपका जो चेस्ट चाहिए वो कितना चाहिए, जनरल कैंडिडेट के लिए भैया चाहिए 79, फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, जो एसटी है उनके लिए 76 और फुलाव के बाद 81 हो जाना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस है मेरे भाई। उसके बाद देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो इसका फिजिकल होता है वो 5 किलोमीटर का नहीं होता है, वो 1600 मीटर का होता है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया, जो न्यू रूल रेगुलेशन आया उसमें आपका
है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है, 6 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का भर्ती होता है, फीमेल का तो होता ही नहीं है। इसमें जो आपके क्या बोलते हैं जो लॉन्ग जंप होने वाले हैं वो कितना होगा, तो 4 मीटर मतलब भैया 14 फुट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा, ठीक है। और ये 1.38 मतलब आपके 4 फुट के हाई जंप रहने वाले, तो आप यहाँ पे देख लो आपके कितने 14 फीट के लॉन्ग जंप और दोस्तों आपके 4 फीट के हाई जंप होने वाले हैं। बस दोस्तों ये तीन ही आपका ये होने वाला है क्या, जो आपका भर्ती का प्रक्रिया होगा, तीन आपके मतलब यहाँ पे इवेंट होने वाले हैं। ये तीन इवेंट में कोई भी आपका नंबर नहीं रहेगा, ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। अगर ये आपने क्वालिफाई कर दिया तो फिर आपके क्या होंगे, तो देखिए ड्राइविंग टेस्ट जो है आपका ऑप्शनल है, आपको अगर आता है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपके होने वाले मेडिकल, मेडिकल में देख लीजिए क्या क्या चेक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ दिया, स्क्विंट चेक होगा, आइस विजन टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक होने वाला है, ठीक है, और अदर जो भी वेरिकुलस बैंड नौकरी वगैरह सब कुछ चेकिंग हो जाएगा। इतना अगर आप क्लियर कर दोगे तो आपका नौकरी पूरा हो जाएगा IRB में, ठीक है। ए टू जेड सारी जानकारी दे दी है, और ये जो मैंने आपको जानकारी दी कहाँ से दी, तो ओडिशा के होम डिपार्टमेंट का जो नोटिस आया है जिसमें आपको रूल रेगुलेशन सब कुछ चेंज किया है, कब किया गया, 2022 में दोस्तों सारा रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया गया है। तो अब दोस्तों जो न्यू आपकी भर्ती आएगी, पहले जो भर्ती होती है उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होता था, आपका एग्जाम होता था, जो एग्जाम होता था 50 नंबर का होता था मैं बता दूं, और फिजिकल में भी आपका अलग से नंबर मिलता था। बट दोस्तों अभी जो आपकी न्यू भर्ती आएगी उसमें आपके फिजिकल में कोई भी नंबर नहीं है, सबसे पहले आपके होंगे विंटर एग्जाम, उसके बाद भैया 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है, आपका हाई जंप होगा 4 फुट का और लॉन्ग जंप होने वाला 14 फुट का, बस तीन इवेंट है, आप उसको क्लियर कर दोगे, उसके बाद आपके होने वाले मेडिकल, मेडिकल आप क्लियर कर दोगे आपका डायरेक्ट नौकरी हो जाएगा। और ये मैंने आपको सारी जानकारी कैसे दी है, ओडिशा के होम डिपार्टमेंट, आप सबको पता है जो IRB की भर्ती है सेंट्रल की भर्ती है, बट दोस्तों ये सारे स्टेट को वैकेंसी बांट दी जाती है, जो 17,000 वैकेंसी बांटी गई है, जैसे कि आपका झारखंड के लिए अलग वैकेंसी है, महाराष्ट्र के 2,000 अलग वैकेंसी है, ओडिशा के लिए 3,000 अलग वैकेंसी है, तो इस सारे स्टेट को वैकेंसी हैंडल कर दी जाएगी। अब स्टेट अपना हिसाब से रिक्वायरमेंट लेगा, तो हमारे जो स्टेट का रूल रेगुलेशन चेंज हुआ था मैंने उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। तो दोस्तों अगर ओडिशा स्टेट में हुआ है तो सारे स्टेट में यही दोस्तों रूल रेगुलेशन चेंज हुआ होगा, अब कौन स्टेट कैसा कराता है वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो वैकेंसी है सेंट्रल की वैकेंसी है, बट दोस्तों स्टेट इसको ऑर्गेनाइज कराता है, मतलब स्टेट पुलिस का जो बोर्ड है वही वैकेंसी को ऑर्गेनाइज कराता है। जो भी दोस्तों IRB में पहले से सिलेक्ट हुए होंगे आप उनसे पूछोगे तो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, बट ये चीज़ किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया था, फर्स्ट यूट्यूबर जो मैंने आपको बताया था और जो मैंने आपको 1600 मीटर का रनिंग कहा था मैंने जेन्युइन कहा था, जो रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है उसके बेसिस पे कहा था, जो पहले भी रिक्वायरमेंट था 2022 से पहले का जो भर्ती आया हुआ था, क्या आपको पता है भर्ती 4 साल से आई ही नहीं है, तो इसीलिए जो 4 साल पहले जो रिक्वायरमेंट हुआ था उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग था और एग्जाम थे, बट अभी जो भर्ती आएगी उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें यही दोस्तों न्यू रूल रेगुलेशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर ओडिशा का हुआ है तो सारे स्टेट का हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बस दोस्तों एक चीज़ का प्रॉब्लम है, क्या बोलिए, जो आपको SC ST OBC का जो छूट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, आप दोस्तों फॉर्म आराम से अप्लाई कर पाओगे, कोई भी स्टेट में कर सकते हो, 17,000 वैकेंसी आप सबको पता है, और ये जो वैकेंसी पूरे स्टेट वाइज वैकेंसी निकलेगी भैया, कौन कौन से वैकेंसी आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में आपके 5,000 वैकेंसी निकलने वाली है, आपके छत्तीसगढ़ में 4,000 वैकेंसी निकलेगी, उड़ीसा में 3,000 वैकेंसी निकलने वाली है, झारखंड में 3,000 वैकेंसी निकलने वाली है, महाराष्ट्र में 2,000 वैकेंसी है, टोटल 17,000। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन से स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, और मेरे ख्याल से सारे स्टेट में यही रूल रेगुलेशन चल रहा होगा, क्योंकि पहले जो था सारा जितना भी रूल एग्जाम हो रहा है ना न्यू गवर्नमेंट का, सब में भैया पहले विंटर एग्जाम कराया जा रहा है, उसके बाद जाकर फिजिकल कराया जा रहा है, और फिजिकल हर एग्जाम में क्वालिफाई नजर कर दिया गया है, वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम इसमें भी लगाया गया है। अब इसकी भर्ती कब तक आएगी और एज की गणना कब से की जाएगी, इसके बारे में, तो इसमें जो एज होता है 18 से 25 साल तक का उम्र है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST को 5 साल का छूट मिल जाता है। अब भैया जो एज की गणना होती है वो कब से होती है, अगर ये वैकेंसी अभी आती है तो जिसकी एज की गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से ही होने वाली है, मतलब वैकेंसी कभी भी आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए, अगस्त में आए, जिसकी एज की गणना होगी वो भैया 1 जनवरी 2023 से होने वाली, मतलब जनवरी 1 तारीख से ही एज की गणना होगी। अब ये वैकेंसी आने के जो चांसेस वो कितने हैं, तो देखिए न्यू 5 बटालियन गठन किया गया है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया है, हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, जो बटालियन गठित की जा रही है उसमें जो आपकी वैकेंसी 17,000 वैकेंसी रिलीज करने का पूरा ऑर्डर है गवर्नमेंट को, और ये जो वैकेंसी रिलीज किया जाएगी वो कब तक की जाएगी, तो अगस्त और सितंबर में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अगस्त सितंबर के बीच में भर्ती कभी भी आ जाएगी, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, अगस्त सितंबर में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। हाँ, बट ये जो वैकेंसी है वो भैया स्टेट के अंदर बांटा गया है, और जो भी स्टेट में आपको फॉर्म अप्लाई करने का मन होगा आप पूरे स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और मैंने जो आपको है ना पूरे डिटेल में जानकारी दी, एक एक जानकारी दी है, बाद बाकी और आपको कुछ भी डाउट रह गया हो, आपको लगता हो
कुछ भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बट मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, और शायद ऐसा इन्फॉर्मेशन किसी यूट्यूबर ने आपको दिया भी नहीं होगा, कोई नोटिस किसी ने नहीं दिखाया होगा, बस आपको गूगल पर सर्च करके दिखा दिया होगा। बट मैंने जो आपको दिखाया जेन्युइन दिखाया, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी 1600 मीटर रनिंग का, वो भी दोस्तों पीडीएफ के जरिए ही मैंने दी थी। मैंने इसके रीड किया था प्रीवियस के पीडीएफ को, तब बताया था। तो अब रूल रेगुलेशन चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले। पहले जो रूल रेगुलेशन था वो अलग था, आज की डेट में रूल रेगुलेशन चेंज पूरा पूरी हो चुका है। तो फाइनली ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आपको सारा नॉलेज क्लियर हो चुका होगा कैसे भर्ती होती है, क्या रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है। तो भैया अगर इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो बस ज्यादा इतना कहना चाहूंगा, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा भारत सिक्का वहीं चला जाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लव यू सारे भाइयों को। आराम से आर्मी में आ रही है वैकेंसी भैया, ऑल ओवर इंडिया में। तो क्या हुआ, आर्मी की वर्दी मिलती है, बंदूक मिलता है ठोकने के लिए, और भैया माओवादी लोग के साथ लड़ाई करने का भी मौका मिलता है। तो आप पक्का नौकरी होगा, आप लड़ोगे माओवादी से, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।